नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे जो मोगनी की सीड कैसी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मोगनी के बीज जो हैं ये कैसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बीज जो है अमेजन से मंगवाया था, तो मुझे ये कर्नाटका से आए हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मोगनी के बीजों की सीडिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको हम अब इसको बीजेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कोई जो ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इस बीज को आपने लाना है और आपने जैसे क्यारियाँ होती हैं, जैसे मेड़े बनाते हैं, तो मेड़े के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। और उसके लिए आपको नॉर्मल मिट्टी चाहिए, साथ में आपको खाद चाहिए थोड़ी सी पशुओं की, और साथ में एक आधी मिट्टी और मिला लेना, जैसे नाले की मिट्टी होगी, कहीं खेत की मिट्टी, तो उन सभी मिट्टी को आपने इसका मिश्रण बनाना है, उसमें आपने इसको ग्रो करना है। तो अगर मिट्टी अच्छी होगी तो ये जल्दी ग्रो होगा, और आपने इसको रेगुलर डेली पानी देना है कि जिससे आपके ये जो है जल्दी जर्मिनेशन हो जाए। तो इसका आज हम सीखेंगे कि ये तो आपने देखा मोगनी के बीज। तो दोस्तों मोगनी का जो पेड़ है, मोगनी जो है एक बहुत ही महंगा पेड़ है, इसकी दवाई बनती है, जैसे मोर्टिन मच्छर मारने वाली दवाइयाँ जो हैं, कीटनाशक की वाली दवाइयाँ, ये सारी मोगनी से बनती है। और मोगनी का जो एक पेड़ है इसकी कीमत 3-4 लाख रुपए है, और 5 लाख रुपए तक भी है। इसकी पत्तियां भी बिकती हैं, इसकी लकड़ी बिकती है, हर चीज़ बिकती है, फल तक भी इसका सब कुछ बिकता है। तो दोस्तों सबसे महंगा पौधा होता है मोगनी का, जैसे चंदन का होता है वैसे ही ये होता है, और इससे दवाइयां बनती हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम कैसे मोगनी की, जैसे अब सीड हम इसमें लगाएंगे, तो सीड को कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने बीज मंगवाने हैं, बीज हम आप अमेजन से किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते, क्योंकि आप भरोसेमंद वेबसाइट से मंगवाएं, जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेजन है और साइट है, उनसे आप मंगवाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अब हम देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है, सभी ध्यान से देखेंगे। अभी इसको हम खेत को थोड़ा वो करेंगे, इसके बाद इसको इसमें हम ये बीज लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये मोगनी के बीज हैं, इसके अंदर एक छोटा सा बीज और होता है, तो वो बीज जब ये जैसे आप पानी देते हैं तो ये ऊपर वाला जो गल जाता है और बीज आपका बाहर आ जाता है। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं हिमाचल से बना रहा हूँ, क्योंकि बीज तो मैंने कर्नाटका से मंगवाए हैं, तो अब ये हिमाचल में मोगनी लगाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर नर्सरी में कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और मैं एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इस ये पौधा कैसा होता है, क्योंकि तो मैंने भी देखा नहीं है, तो मैं भी ऑनलाइन मैंने इसको देखा है, तो इसलिए अगर मेरा पौधा भी ग्रो कर जाता है तो मैं आपको वीडियो जरूर बताऊँगा कि ये पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि एक तो मच्छर आपके घर में नहीं आएगा और एक तो आपकी आमदन भी बढ़ेगी। आपके घर में खेत हैं, जमीन है, तो आप जमीन में ये लगा सकते हैं, जब 15-20 साल के बाद आप इस पेड़ को काटोगे तो इसकी कमाई लाखों रुपए में होती है। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं ये मेड़े। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मोगनी बीजेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे ये इस ये अगर खेत आपका बड़ा है तो आप किसी और के साधन से भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने जमीन के अंदर खाद डालनी है, सब कुछ डालना है, जिससे आपका जो पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो। तो और पत्थर आपने बिल्कुल निकाल देने हैं, क्योंकि पत्थर जो होता है, पत्थर से पौधा आपका बाहर नहीं आता है। और फिर इसको प्लेन करना है ऐसे, तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि हम कैसे मोगनी का पौधा लगा, पेड़ इसमें सीड लगाएं और इसकी ग्रो कैसे करें बढ़िया, क्योंकि जगह अच्छी होगी तो ग्रो बहुत जल्दी होगी। और फिर आपने इसको पानी दे देना है, अगर बारिश हो रही है तो भी अच्छा है। और इसको इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जैसे सागवान की सीड है उसको उगाने में बहुत टाइम लगता है, साथ में चंदन की सीड होती है उसके लिए भी टाइम लगता है, ये पौधा तो आपका आराम से हो जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि ज़मीन आपकी बिल्कुल पॉली होनी चाहिए, जिससे आप इस पौधे को लगने के बाद आराम से निकाल भी सको। तो दोस्तों ये हमारा हो गया काम, अब हम इसमें सीड लगाएंगे। तो सीड के लिए क्या करना है, ये देखो सीड आपने निकालनी है, ये सीड मैंने निकाली है, ये नीचे की तरफ को लगाना है, बीज इसके अंदर होता है और जैसे हम लगाते हैं ऐसे ऐसे आप इसमें दबा दो, और ज़्यादा घना नहीं करना है क्योंकि आपका पेड़ ग्रो भी करना चाहिए। जैसे मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं इसको 2 इंच का गैप दे रहा हूँ पर पौधे पर। फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमने क्या करना होता है इसको, फिर हम इसको पन्नी के अंदर शिफ्ट करेंगे जब भी हमारा ये पौधा अच्छा स्वस्थ पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नीचे की तरफ को, और लगाने के बाद फिर आपने इसमें पानी देना होता है। जब ये पौधे मेरे निकल जाएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो ये एक मैं जो तैयार कर रहा हूँ, ये मैं देसी स्टाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, तो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, ना कि मैंने किसी नर्सरी से कुछ सीखा है। तो मैं, मुझे जितना नॉलेज है पौधा लगाने में, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें लगा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब लगाना है तो इसको नीचे घुसेड़ देना है अच्छी तरह से कि ज़मीन की पकड़ में आ जाए, फिर आपने इसमें पानी लगा देना है। अगर बारिश वाला मौसम है तब तो अच्छा है, तो बारिश वाला मौसम है तो ये ध्यान रहे कि इसमें पानी ना टिके, क्योंकि जब पानी टिकता है तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम सीड लगा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर एक एक आधा इंच मिट्टी चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर बीज हमारा बाहर रहेगा तो उससे क्या होता है कि बीज को कीड़े जो होते हैं वो उठा कर ले जाते हैं, तो इसलिए बीज को ढकना है थोड़ा सा, आधा या 1 इंच मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा देंगे, और फिर हमने इसमें पानी देना है।
तो अब हम ये प्रक्रिया करते हैं, इसके ऊपर पहले मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों देखो आपने, हमने इसमें पानी दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अगर गर्मी वाला मौसम है तो आपने क्या करना है, अब ये बरसात का मौसम है तो इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नमी ज़्यादा है तो भी पानी कम देना है। इसलिए पानी को हिसाब से देखना, ये ना हो पानी ज़्यादा नमी हो जाए तो आपका बीज सड़ जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखो कि एक हमें स्वस्थ पौधे के लिए कैसी मिट्टी, जिस पौधे को जैसे मान लो कि आपने कोई सीड आपने लगा उगा रखी थी और उस सीड को आपने अब वहाँ से किसी पन्नी में शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर मिट्टी, या तो आप खड्डा खोद दें, बरसात का मौसम है तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपके आगे पीछे की मिट्टी होती है वो बहकर आ जाती है जैसे ये है, और इसको मिला लें आपस में, क्योंकि इसके अंदर खाद डालने की जरूरत नहीं। ये खाद बहकर आई है, देखो आप ऊपर काली काली खाद है और नीचे मिट्टी है ये, और बहुत अच्छी मिट्टी है। इस मिट्टी को आपने क्या करना है, इसको पन्नी में डालना, जैसे ये पन्नी है मैंने, आप पन्नी कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, तो पत्थर इससे निकाल देना है। और फिर क्या करना है, अब हम इस पन्नी में हम क्या करेंगे कि हमने इसमें मोगनी के जो पौधे मैंने उगा रखे थे, सीड मैंने उगा रखी है, तो उस मोगनी के जो अब वो सीड को उस पौधे को मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने उसको बीज रखा है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर थोड़ा मिट्टी जो उसके अंदर कीड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे अब उसको पन्नी में डालना है, क्योंकि पन्नी में वो सेफ रहेगा मेरे लिए। तो इसको आपने अच्छी तरह से वो कर लेना है सेट, फिर उसके बाद आपने इसको मिट्टी डालनी है ऐसे, और फिर इसमें ऐसे नीचे तक कर देना कि जिससे उसकी जड़ जो है पौधे की इसके अंदर चली जाए। और जैसे मैंने ये तीन चार और पन्नी इसमें भर ली है, अब हम क्या करेंगे, अब मोगनी के जो हमारा पौधा है हम उसको वहाँ से निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब मोगनी के पौधे को इसमें शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि मोगनी का जो सीड हमारा है वो पूरे 1 महीने के बाद उगा है,
इसमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है क्योंकि ये पौधा जो है उगता बहुत लेट है, पूरा महीना लेता है। आपने बीज दिया, बीजने के बाद आपको 1 महीने के बाद ये पौधा बाहर आएगा, सीड निकलती है इसकी, तो इसलिए इसमें पेशेंट में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और ऐसे ही सागवान है और ऐसे ही चंदन है, तो ये पौधे थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जैसे मैंने ऐसे बना दिया, अब इसके अंदर क्या हो कि मैं सीधा उसकी जड़ इसके अंदर डालूंगा उस, और उसको उखाड़ने का, उसको कैसे मिट्टी से बाहर निकालना है पौधे को, अब आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है, ये महोगनी का पौधा है, देख सकते हैं ये पूरे 1 महीने के बाद उगा है। देखने में जब ये पैदा होता है तो सेम आम की तरह लगता है, मगर थोड़ा डिफरेंट होता है। सभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे भी 10 पौधे उगे हैं, तो 10 में से मैं अब इनको पन्नी में शिफ्ट करूँगा। ये मैंने पन्नी है इसमें बना दिया है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर क्या है कि इस मिट्टी के अंदर सिंक बहुत ज़्यादा है और कीड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पौधा ख़राब ना कर दे, तो इसलिए मैं पौधे को पन्नी में शिफ्ट करूँ। हाँ, तो कैसे करेंगे सभी ने ध्यान से देखना है। अब हम इस पौधे को ज़मीन से पहले निकालेंगे, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो मैंने आपको दिखाया ये मोगनी का पौधा तैयार हो गया हमारा। अब हम इसको निकालेंगे क्योंकि इसकी जड़ सीधी जाती है, तो इसी के लिए हमने इसमें थोड़ा अच्छा सा कर दिया है। अब इसको हम नीचे से निकालेंगे, सभी से ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखना है। और हम ये देखो, अब हमने यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेना है। ये देखो ये हमारा पूरा पौधे का पौधा बाहर आ गया। तो दोस्तों ये देखा आपने, हमने इसमें पौधा शिफ्ट कर दिया है। अब सभी ने ध्यान से देखना है कि जिस पन्नी के अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं उस पन्नी के नीचे हमने सुराख कर लेना, क्योंकि जब भी हम पानी दें तो पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा आपका वैसे गल कर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कैसे हम किसी भी पौधे को कैसे पन्नी के अंदर शिफ्ट करते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, मगर सभी ने ध्यान से करना है, ये ना हो इसकी जड़ें कट जाएँ। तो ऐसे हम ऐसे ऐसे करके जितने पौधे हैं उनको इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारे पौधे सेव रहें, जो पौधे मारे हुए हैं इसको कीड़ा ना खाए, क्योंकि इसको हम अपने पास रखेंगे तो छाया में रखेंगे, तो मोगनी का जो पौधा आता है वो जल्दी तैयार होता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।